हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इस वीडियो में हम दो नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे दैट इज प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं लेट्स डिस्कस देयर कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं ओनली टू ठीक है

जो कि डिविजिबल होता है यानी डिवाइड हो सकता है बाय ओनली वन यानी वन नंबर से या फिर इट सेल्फ नंबर यानी या तो खुद से रिवाइज हो सकता है डिविजिबल हो सकता है या फिर नंबर वन से हो सकता है ठीक है इसके अलावा कंपोजिट नंबर में क्या है कंपोजिट नंबर इज डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स ठीक है मोर देन टू नंबर्स पे डिजिबल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज़ के एग्जाम एग्जाम्पल लूँ तो वील राइटे हेयर के इफ आई हैवे नंबर थ्री ठीक है एंड आई वॉन्ट टू डिड नंबर थ्री तो अगर मैं नंबर थ्री को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास uh, दो नंबर ही आते हैं वो कौन कौन से हैं या तो मैं थ्री को थ्री पे डिवाइड करूँगी थ्री वन जी या मैं इसको वन पे करूंगी राइट वन थ्री ज थ्री सो so, इसके कितने फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर्स के ओनली टू इसी तरह अगर मैं कंपोजिट नंबर लेती हूँ मेरा कंपोजिट नंबर अगर फोर है ठीक है तो इसमें मेरे पास सिर्फ दो फैक्टर्स नहीं होंगे इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे जी फोर मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू फोर होता है ऐसे ही है और टू मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू क्या होता है फोर होता है तो मेरे पास यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए वन टू एंड फोर एंसर कितने हो गए थ्री यानी मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन और वो क्या है ऑल प्राइम प्राइम नंबर्स 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 आर ऑड एक्सेप्ट क्या होते हैं एक्चुअली ऑड नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स हम ऑलरेडी पिछले प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से ऑड नंबर्स होते हैं वन एक मिनट थ्री फाइव सेवन नाइन ठीक है ये ऑड नंबर होते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की राइट जब right? तो हम प्राइम नंबर्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसमें वो नंबर्स आएंगे जो डिविजिबल होते हैं या तो अपने पर या वन पर तो इस इस केस में यहाँ पर टू भी आएगा और यहाँ पे मेंशन किया एक्सेप्ट टू इसके अलावा थ्री भी आएगा फाइव भी आएगा सेवन भी आएगा बट नाइन नाइन विल नॉट बी अ प्राइम नंबर वाई इज़ देट सो नाइन प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा क्योंकि नाइन जो है इट कैन भी डिवाइडेड बाय मोर देन टू फैक्टर्स ठीक है नाइन के अगर हम नाइन के फाइन uh, करें तो नाइन कंपोजिट नंबर्स में आएगा और नाइन के अंदर हम अगर उसको मल्टीपल उसको डिवाइड करें तो नाइन वन जा नाइन ठीक है और थ्री थ्री जा नाइन ठीक है तो इसमें आएगा वन थ्री नाइन ओके okay? अच्छा जी नेक्स्ट हम आते हैं क्या नंबर है के जी ऑल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स एक्सेप्ट सारे इवन नंबर्स जो हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स होते हैं फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स अगर हम लिखें राइट ओवर हियर इवन नंबर्स इवन so, नंबर में आ जाएगा जी टू उन्होंने कहा नहीं होता तो फिर आ जाएगा इवन नंबर फोर सिक्स एट एंड सो ऑन राइट अच्छा जी नेक्स्ट हम आते हैं नंबर पर और वो क्या है कि देर आर अपू ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर हंड्रेड में से कितने नंबर प्राइम नंबर हैं ट्वेंटी फाइव लेकिन कितने कंपोजिट नंबर्स हैं सेवनटी फोर देर आर सेवेंटी फोर नंबर्स अप टिल हंड्रेड अच्छा जी नेक्स्ट क्या है जी के क्वांटिटी ऑफ प्राइम नंबर जो कम्पोजिट नंबर है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन की है. तो हम इसके साथ अगर लेस uh, का साइन डाल दें लाइक कम है एंड द क्वानिटीट नंबर आर मोर देन दाइम नंबर अगर देखें यहाँ पे सेवेंटी फोर बनते हैं ये ट्वेंटी

इसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनेंगे दो से ज्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे और आप देख सकते हैं कि ये सारे नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर टू अगर हम आए कंपोज़िट नंबर पे तो कंपोज़िट नंबर के हैं ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव फोर्टी फोर एक्सेट्रा और भी नंबर है टोटल नंबर है और कंपोजिट नंबर को अगर आप देखें तो इसके टू से ज्यादा ही फैक्टर होते हैं I hope you guys understood the difference between composite and prime numbers. In the upcoming videos, we will be doing the practice of these numbers as well. So that you understand this. Thing. See you guys in another video.